हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस इनवी बैटरी चार्जर का और इसके साथ जो बैटरी मिलती है उसके बारे में। और मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि इसका चार्जिंग टाइम क्या है, कितने देर में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी फुली। तो चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है इसका डब्बा, ठीक है। इसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल भी मिला है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम इसे साइड में रखते हैं। ये हो गया मेन यूनिट, और यहाँ पे आपको दो दिख जाएंगे एलईडी लाइट, ठीक है। जब आप इसे चार्जिंग पे लगाओगे तो ये एलईडी चलने लग जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो बैटरी होती है इसे लगाना किस तरीके से। तो इसका जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे लगाना है, और पॉजिटिव वाला जो है वो इस साइड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे से, यहाँ पे प्लस और माइनस का भी साइन बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको बैटरी इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये चार्जेबल बैटरी है, इससे नॉर्मल बैटरी चार्ज करने की कोशिश ना करें, वो बैटरी डैमेज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसके साथ जो रिचार्जेबल बैटरी जो आती है उसे ही आप चार्ज करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है मेरा बैटरी जो है ये 2800 mAh का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2800 mAh का है। तो ये इसका है कि कैपेसिटी, आपके अकॉर्डिंग आप इसे चार्जिंग टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने देर में चार्ज होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, आप इसे ले सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसे चार्जिंग के लिए जब आप लगाओगे तो यहाँ पे एलईडी जलने लग जाएगी। और चार्जिंग के लिए आपको लगाना इसे किस तरीके से ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। कभी भी आप यहाँ एक बैटरी नहीं लगाएंगे, ठीक है, या सिंगल बैटरी आप इसे चार्ज करने की कोशिश करोगे तो ये चार्ज नहीं लेगा। तो इसमें ये नहीं है कि ये ख़राब है, आपको कम से कम दो बैटरी इसमें लगानी है, ठीक है। तो दो बैटरी कहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी है, दूसरी यहाँ लगानी है। ऐसा नहीं कि आपने एक यहाँ लगा दिया और दूसरा जो है इस साइड में लगा दिया या बीच में कहीं लगा दिया, तो ये काम नहीं करेगा। एक है ये, यहाँ दो लगा सकते हो और दो यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। टोटल चार चार बैटरी आप एक साथ चार्ज कर सकते हो। अब आते हैं इसके चार्जिंग टाइम पे। तो जैसा कि ये है 2800 mAh, ये सबके प्रॉब्लम होती है कि ये ले तो लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा ऑटो कट ऑफ नहीं है कि आपको दिखेगा कि इसमें चार्जिंग हो रहा है, कितना फुल हुआ नहीं हुआ, ये पता ही नहीं चलता है। तो मैं आपको इससे टाइमिंग बता देता हूँ। इसके साथ जो यूज़र मैनुअल मिला है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया इसकी इनवी का यूज़र मैनुअल। और इसके आप जब सेकेंड पेज पर देखोगे तो यहाँ पर इसका चार्जिंग टाइम पूरे अच्छे से, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, अगर आपकी बैटरी जो है, ठीक है, वो है AAA बैटरी और वो है 2800 mAh की, तो आपको टाइमिंग है 2 घंटा, ठीक है। ये छोटी वाली जो बैटरी होती है उसे AAA बोलते हैं, और जो नॉर्मल इस साइज़ का जो बैटरी होता है ना, जो मेरे है, ठीक है, ये जो टॉर्च वगैरह में लगते हैं, रिमोट वगैरह में, रिमोट वाला जो छोटा भी आता है, लेकिन ये वाला जो टॉर्च वॉर्च में लगाते हैं ना, वो वाला ये, ठीक है, तो उसे AA बैटरी बोलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा जो है 2800 है, तो इसे 14 घंटा चाहिए, ठीक है। 2500 वाले को 12.5, 2300 वाले को इस तरह के, 2000 अगर mAh की है तो ये, 800 है तो 4 घंटा काफ़ी है, 900 है, और ये छोटी वाली बैटरी है तो 7.5 घंटा, ठीक है, छोटी वाली बैटरी के लिए 7.5 घंटा, बड़ी बैटरी 800 mAh की है तो 4 घंटा। तो इस हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इनवी कंपनी का जो ये आता है चार्जर, उसके लिए है। अगर आपको किसी और कंपनी का है तो उसके मैनुअल को आप देख लें, ठीक है। तो ये हो गया इसका है। और ये कह सकता हूँ मैं, जो 2800 mAh की बैटरी है ये, इसका लाइफ बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार मैं चार्ज करता हूँ, मैं इसे ट्रिमर में यूज़ करता हूँ, मैं इसे रिमोट में यूज़ करता हूँ, इवन मेरा जो माउस है, ब्लूटूथ माउस, उस पर भी मैंने इसे लगा रखा है, ठीक है। तो इस एक बार मैं चार्ज करता हूँ, ये महीनों भर चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और इससे मैं ट्रिमर में यूज़ करता हूँ ना, ट्रिमर में, तो ट्रिमर में कम से कम 4-5 बार मैं ट्रिम कर लेता हूँ, लेकिन ये बैटरी ख़त्म नहीं होती। और इसे एक बार फुल चार्ज करोगे तो बहुत लंबी चलती है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका यूज़ है इस बैटरी का ज़्यादा, आप 10 रुपये वाले बैटरी खरीदते हो, कुछ दिन में डाउन होता है, आप नया खरीदते हो बार बार, उससे अच्छा कि ये रिचार्जेबल एक बार ले लो, ठीक है। और इसे काफ़ी अच्छा बैकअप भी मिल जाता है, किसी भी चीज़ में अगर आपको लगाना है तो आप या तो टॉय में भी लगा सकते हो, किसी बच्चों के टॉय में, खिलौनों में बैटरी लगती है, आप बच्चा डाउन कर देता है बैटरी बहुत जल्दी खेल खेल के, फिर आपको नया खरीदना पड़ता है। तो कहीं पे भी यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है ये आप रिकमेंडेड है कि आप ले सकते हो। इसके साथ ये चार्जर बहुत अच्छा है,
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दे, और अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप बाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।